हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूँ श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने तोरई तो बनाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे तोरई विद पीनट मसाला। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो चलिए फ्रेंड्स, इस झटपट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लंबे पीसेस में काट लिया है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसका हमें स्किन पील ऑफ करना है तुरई का, इसे रिज कॉर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब मैं इसका स्किन पील ऑफ कर देती हूँ। अब इसे लॉन्ग पीसेस में कट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो जैसे शेप में भी कट कर सकते हैं इसे। तो हम इसका टुकड़ा मोटा ही रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 500 ग्राम के बराबर तुरई लिया है, यानी रिज कॉर्ड। और इसे अच्छे से धोकर मैंने पहले से साफ कर लिया था। अब मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करूंगी और मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून फेनल सीड, 1 टीस्पून निगेला सीड। तो मैंने जीरा, सौंफ, कलौंजी और सरसों के दाने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अब मैं इसमें तेजपत्ता ऐड करूंगी, यानी बे लीफ 1, और 2 लाल मिर्च ऐड करूंगी, रेड चिली। इसे कुक करने के बाद मैं 1/2 कटोरी के बराबर प्याज ऐड करूंगी, यानी 1/2 कप अनियन स्लाइस किए हुए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें टर्मरिक ऐड करूंगी अराउंड 1/4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें तुरई ऐड करूंगी, यानी रिज कॉर्ड ऐड करूंगी, और इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। तो सॉल्ट से हमारी वेजिटेबल्स जल्दी पकती है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। तो इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी जब तक ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक मैं एक मसाला तैयार करती हूँ, जिसमें मैंने 1/2 कप के बराबर पीनट लिया है, रोस्टेड पीनट है, भुना हुआ मूंगफली, 10-12 गार्लिक लिया है मैंने, 10-12 छिला हुआ लहसुन, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और हल्दी लिया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। तो बाकी का मसाला हम तोरई में भी ऐड करेंगे। तो अभी हम इसे पीस लेते हैं। तो टर्मरिक यानी हल्दी, मिर्च और धनिया ऐड किया है मैंने। अब इसे मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं कोर्स फॉर्म में, यानी थोड़ा दरदरा पीसना है हमें। अब हम चेक कर लेते हैं। तो तोरई हमारी पक चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी, यानी ड्राई मसाले। तो पहले से हमने पीनट में यानी मूंगफली में ऐड किया हुआ मसाला, तो अब मैं इसमें धनिया, मिर्ची ऐड करूंगी 1/4 टेबलस्पून के बराबर, एंड 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने, और 1 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, उसे ऐड करना है, यानी टमाटर मीडियम साइज़ का लिया है मैंने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी अराउंड 1/4 कप के बराबर, 1/4 कप पानी ऐड किया है मैंने। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से कुक ना हो जाए। 2-3 मिनट्स बाद हम चेक कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने कुक किया है, तो ये अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें पीनट मसाला ऐड करूंगी, यानी मूंगफली का मसाला। अब मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी। और इसे दोबारा से मिक्स करके हम इसे पकाएंगे स्लो फ्लेम पर 2 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 2 मिनट्स ये बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही डिलीशियस। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।